जैसे ही आप आपका नोटिफिकेशन खोलेंगे तो आपको डायरेक्ट पेज नंबर 14 पे आना है। पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको ये जो लिस्ट दिख रही है इसमें जो फोर्थ नंबर का है, इसमें जो फोर्थ नंबर का है ये है आपका प्रयोगशाला सहायक लैब टेक्नीशियन, तकनीकी सहायक, प्रयोगशाला टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट। तो ये वीडियो जो है वो लैब टेक्नीशियन के लिए, मेन लैब टेक्नीशियन के लिए होने वाला है। उनके ये जो पद कोड हैं ये यहाँ पर लिखे हैं। सीधी भर्ती यहाँ पर 250 है और बैकलॉग की जो भर्ती है वो है 113, तो टोटल मिला के हो जाती है 363। तो टोटल मिला के हो जाती है 363 पोस्ट पे ये वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी। तो आप अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा पद कोड कहाँ के लिए है। तो सबसे पहला जो पद कोड है वो है पद कोड 5, जो कि है इंदौर के लिए, और ये है प्रयोगशाला सहायक के लिए, प्रयोगशाला सहायक। तो ये एक पद कोड हो गया 5, ये है इंदौर में और ये है प्रयोगशाला सहायक के लिए, और इसमें टोटल है 9 पोस्ट। फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं पद कोड 11। पद कोड 11 जो है वो है लैब टेक्नीशियन के लिए, इसके टोटल है 8 पोस्ट और ये है भोपाल में। उसके बाद अपना जो पद कोड है वो है 12, ये है लैब टेक्नीशियन के लिए और इसका जो है सिर्फ एक ही पोस्ट है। उसके बाद अपन बात करें तो आ जाता है 17 नंबर। 17 नंबर पे है लैब, 17 नंबर पे है लैब सहायक, लैब सहायक की 3 पोस्ट हैं। उसके बाद अपन आते हैं 32 नंबर, पोस्ट कोड है 32 नंबर और ये भी है भोपाल में। तो भोपाल में प्रयोगशाला टेक्नीशियन की पोस्ट है और यह पर बहुत अच्छी वैकेंसी, टोटल 156 वैकेंसी। फिर उसके बाद अपन आते हैं 33 में, जो कि है प्रयोगशाला टेक्नीशियन, इसकी भी 109 पोस्ट है और पद कोड जो है वो है 33। पद कोड जो है वो है 33 के बाद आता है 37। 37 जो कि भोपाल में है, पद कोड 37 जो कि भोपाल में है, जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल में, कोड पद कोड है 37, ये भी लैब टेक्नीशियन की है, इसमें एक ही पोस्ट है। उसके बाद अपन बात करें तो आता है पद कोड 40। 40 में है, शिवपुरी में है, ये पद कोड है 40, ये है लैब असिस्टेंट की, इसके कुल पोस्ट हैं 3। उसके बाद आता है 47 पद कोड। 47 पद कोड की टेक्नीशियन की है 1। उसके बाद पद कोड की अगर बात करें तो, पद कोड की बात करें तो 48 वाला जो है वो है लैब असिस्टेंट और ये है खंडवा में, जिसकी टोटल 6 पोस्ट हैं। खंडवा में टोटल 6 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद आता है 49, ये भी है खंडवा में टेक्नीशियन की, टोटल 9 पोस्ट के साथ। उसके बाद आता है 50 लैब असिस्टेंट की, ये है 14 पोस्ट के साथ। उसके बाद लैब अटेंडेंट की, ये है 2 पोस्ट के साथ। तो ये तीनों जो है वो है लैब की, लैब असिस्टेंट की, टेक्नीशियन की और लैब अटेंडेंट की, और ये है पूरे खंडवा जिले की। उसके बाद अपन बात करते हैं तो नीचे आते हैं, नीचे है 56 नंबर। तो 56 नंबर पे है लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। फिर उसके बाद, अपन बात करते हैं 61 लैब असिस्टेंट की है, 21 पोस्ट हैं। लैब अटेंडेंट की पोस्ट है 61 पोस्ट कोड पे।
21 पोस्टें यहाँ पर हैं, बहुत अच्छी पोस्टें हैं। उसके बाद 61 के बाद अपन चले, और ये जबलपुर में है जो 57, 56 हैं, जो 57, 56 और 61, ये जबलपुर मेडिकल कॉलेज में है इसकी पोस्ट है। उसके बाद अपन बात करते हैं सागर की। उसके बाद अपन अगर बात करें सागर की, तो सागर में एक भी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं है। सागर में कोई भी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी मेरे को नहीं दिखी। यहाँ पर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की वैकेंसी है। उसके बाद अपन नीचे बात करते हैं दतिया की, तो दतिया में आपको पोस्ट कोड है जो कि है 76, जिसको बोलते हैं लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट की टोटल 29 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद जो है एक है 81 की, इसका है टेक्नीशियन असिस्टेंट, इसकी 21 पोस्ट हैं। उसके बाद 82 टेक्नीशियन, उसकी 26 पोस्टें हैं। फिर अपन बात करें ग्वालियर, ग्वालियर में कहां पर कितनी पोस्ट हैं ये अगर मैं आपको बताऊं, तो ग्वालियर में अगर अपन देखते हैं तो ग्वालियर में है 88 पोस्ट कोड जो है 88 टेक्नीशियन की। टोटल कितनी हैं, टोटल है पांच वैकेंसी हैं ग्वालियर में टेक्नीशियन की। उसके बाद लैब असिस्टेंट की अगर बात करूं तो 94 और 95 पोस्ट कोड में आप देखेंगे लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट है 95, इसकी टोटल है 3 और 4। 3 जो है वो है लैब असिस्टेंट की और 4 जो है वो है लैब अटेंडेंट की। तो इसी प्रकार से ये आपका पूरा ख़त्म हुआ। तो मैंने आपको बताया कि कहां पर कितनी कितनी पोस्ट हैं। होप करता हूँ आपको समझ में आया। आप आराम से देखिए, इसको समझिए, और जो और भी वैकेंसी निकली हैं फार्मासिस्ट की या फिर आपकी डार्क रूम टेक्नीशियन की या फिर नर्सिंग वालों की, वो भी इस तरीके से अपनी पोस्ट देख सकते हैं कहां पर कितनी है, और अपने हिसाब से आप अपने पोस्ट कोड डाल सकते हैं। सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट BMLT चैनल को BMLT स्टडी मटेरियल पाने के लिए।